चुनाव के रिजल्ट्स की घोषणा के बाद हर दिन राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जब शानदार प्रदर्शन करने वाली इंडिया ब्लॉक ने कल शाम ये साझा किया कि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की कोई भी कोशिश नहीं करेगी बल्कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के रूप में सामने आएगी, तब से एनडीए को मानो राहत की सांस मिली है। हालांकि इसके बाद बृहस्पतिवार के दिन को जब टीएमसी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी उत्तर प्रदेश के सपा के प्रधान अखिलेश यादव के घर पहुंचे मीटिंग के लिए तो सभी को चौंका दिया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीएमसी और सपा अब किस जोड़ तोड़ में जुटी है। आपको बता दें, इस चुनाव में जिस राज्य से मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी यानी कि उत्तर प्रदेश, वहीं से ही हार का सामना करना पड़ा है। 42 सीट्स लेकर सपा यूपी की सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है, जिसने इंडिया ब्लॉक के नतीजे को आसमान तक पहुंचाया है। हालांकि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं बल्कि अकेले ही लड़ी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने यह साफ किया था कि सेंटर में वो इंडिया ब्लॉक के साथ ही खड़ी है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये टीएमसी सपा की मीटिंग है या सिर्फ अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की।